नासिर यंग मैन साढ़े नाल ने। नासिर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जी। थैंक यू सर जी, आपको भी, आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ और अल्लाह की मदद से। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब साढ़े नाल ने जी, पाकिस्तान गुजरांवाला और इटली रोमा से, पतन पे भी क्लियर किया। चले कुछ बातें शातें करते हैं। नासिर भाई, कदू दाखला लिया थे, कितने टाइम च पास हुए हो? सर मैंने दाखला तो बहुत देर पहले लिया था, तकरीबन दिसंबर में लिया था। तकरीबन मैं चार महीने नहीं मैंने पढ़ा ना, वैसे ही छोड़ दिया। वो आपके सेंटर से फोन भी आती थी, काले भी आती रहती है, भाई ब्रदर या आप हमारी लाइव क्लास से नहीं लेते तो आपका टाइम खत्म होने वाला है। मैंने वैसे टाल मटाल में काम रखा, तो ये फिर रोजों में ना जो रमजान आया था तब मैंने शुरू किया। कभी मैं ऐसे भी दिन है जब मैं एक एक चैप्टर वीडियो देख लेता है पूरे पूरे चैप्टर की, ऐसे मैं लाइव क्लास मैंने भी एक भी नहीं ली है। अच्छा, ज्यादा वीडियो देखी और रमजान में शुरू किया, और कितने टाइम में फिर मुकम्मल कर लिया? सर ये मैं तकरीबन रमजान का महीना ही देखी है पूरी वीडियो, पूरी बुक मैंने देख ली थी। उसके बाद फिर मैंने उधर गया स्कूल वालों में, उधर जाके वो डिस्क्रेसिस वो करवाई, तो उसके बाद उन्होंने मुझे डेट दे दिया। डेट थोड़ी सी लंबी मिली थी, 16 जून की मिली। महीने की डेट मिली ना सर? तकरीबन डेढ़ महीने की सर मिली थी, महीने डेढ़ महीने। अच्छा, तुहाडे ना भी ओही सवाल करने आ कि तुहाडे लाइसेंस करन दे पिछे ज्यादा की सीगा, मजबूरियां जरूरतां या के कोई दोस्त तुहाडे पास होए ने? ना सर जी, ना दे पहले नंबर ते कोई मजबूरी सी ते ना कोई जरूरत सी, काम शाम माशाल्लाह लगे सा पहला तो ही कम चल, बस ऐवें गड्डी दा शौक सी सर जी, ते मैं क्या ए लाजमी करना होना। हां मतलब एक शौक सी ड्राइविंग दा, जिस वजह तो तुसा शुरू लाइसेंस शुरू करन तो पहले तकरीबन 2-3-4 महीने पहले लाइसेंस नु कैसा देखते सी, पॉसिबल च या इम्पॉसिबल च? नहीं सर, पहला तो एक नहीं सी है, वो जो शौक ही नहीं सी है, ते फिर ना आजाद नहीं भाई नाल जेड़े आज नहीं इंटरव्यू च आ सके, पता नहीं कोई उन्हें प्रॉब्लम बन गई, वो ना ज्यादा मैंने फोर्स किया, उन्हें क्या नहीं नहीं करना ही करना। मैं क्या फिर सही इंशाल्लाह, पहला भी मैं लोगों को सुनिया सी कि मुश्किल है, पर फिर मैं जो किया शुरू एडमिशन लिया, दोवे दोस्त ने और इको दिन च पास हुए ने दोवे दोस्त। वेखो ना ऐसी दोस्ती के कामयाबी और तरक्की दे विच हाथ मिला के टुरदे ने। बड़ी खुशी हुई मन जिस इन्होंने मैसेज किया कि सर असी दोवे ने कट्ठियां दिख लिए दाखला लिया इको दिन और इको दिन ही अज पास हुए हैं, तुसी डेट भी इको दिन ही फिर अप्लाई की होनी है? सर जी वही मैं तुम दस लगा ना गल बड़ी मजे वाली है। सारी टीचर ना मैंने पहला डेट दी, उन्हें कहा जी कले कले की डेट है वे। अच्छा। फिर मैं आजाद नु क्या नहीं, वो फिर सर जी इस सू 15 दिन लेट होर मैं डेट लभी है ना कि दो कट्ठियां लैनिया ने, 15 दिन और इंतजार किया वे। अच्छा जी, यानी उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद है पॉसिबल के आजाद भाई नु तुहाडे दोस्त नु भी डेट मिल सकती है और तुहानू भी मिल सकती है? जी सर जी, फिर होया भी ऐसा है कि टाइम भी एक सेम ही सी, 11 बजे शुरू होया, और दोबारा साडा जिहड़ा ओला नंबर सी कमरा नंबर वो भी एक सी, ते इंज समझो जिंजर सर जी असीं नहीं बैठे आमने सामने कंप्यूटर ते हिसाब सी। स्टूडेंट मैनू एक काम की गल लभी जे तुहाडे वास्ते, जे तुसीं इहनू पिक कर जो ते जिवें वो दो दोस्त ने इको दिन डेट लई है और इको कमरा इम्तिहान दे विच बैठे सी, इहदे नाल एक मजेदारी की बन सकती, किसी नू समझ आई है कि मैं दसा माइक खोल के दसो हाँ की फायदा इहदे च सानू? एक आ गई सर जी, क्या दसो जी? ये गल है कि अगर कोई बंदे शहर इकट्ठे ने तो कोशिश करन इकट्ठों डेट लवन, एक दूजे दा हौसला वध जांदा है, अपने बंदे नाल हुंदे ने। माशाल्लाह बहुत हौसला दिता कोई अल्लाह खैर करे। ओदू बाद फिर सर जी पेपर दे के वापस आए आ, रोटी दी भुख शोक भी लगी है, पर रोटी सानू सर जी इंज लंघी गोनी ना, रोटी खादी गोनी। टीचर ने फिर सानू फोन किया, दो
प्रोमोसी हुई है ते मेरिया दो गलतियां याद दियां तेन ते उस टाइम फिर सारा कुछ जो प्यार सी ना अगे अगे वो फिर सारा कुछ कर दे बहुत शानदार क्या नाइस दोस्ती है जी मोहब्बत है आपस में के कठे दाखला लिया कठे इम्तिहान देने गए कठी डेट ली कठे पास हुए वीडियो भी कठियां दी बनाई है मेनू भेजी ने के सर ऐसी पास हो गया ते अच्छा नासिर इम्तिहान आले दिन तुसी जिस तरह कठे बैठे सी एक दूजे नू वेखते रहे कोई इशारा शुरा करते तो अखे शखे मारते रहे एक दूसरे को नहीं नहीं सर जी सानू पहला टीचर ने समझाया सी कि काम जेड़ा ना मना ने ते नहीं करने होते ना बोलना में ना इशारे शुरे करने ने अच्छा जी ठीक है जी तकरीबन ओ हो गया कौन जी अच्छा साडा जेड़ा सी ना एग्जामिनर तोरे सर जी बहुत ही शानदार माया है वडेरी उम्र दा सी ओ कुछ बोलदा नहीं सी है कई हुंदे ना सर जी के कदी ओ आवी बस बोलदे रहंदे ने अच्छा ओ बस अपने ध्यान नाल बैठा रहया वे ओने कुछ नहीं किया है अच्छा जी ये जी दो भाई हैं इकट्ठे माशाल्लाह इन्होंने वीडियो फिर बनाई कि सर हम दोनों पास हो गए हैं इकट्ठे एडमिशन लिया स्टूडेंट्स मेरी उम्मीद है कि इटली कोई ना कोई साहब लेडीज या जेंट्स मेरी गल नू फॉलो करनगे लेडीज नू मैं बल्कि पैगाम देंगा जेंट्स नू भी कि भाई अगर हो सके ना तो तुसी अपने नाल जोटीदार बना लो और स्कूल दे थ्रू जो इम्तिहान लैना तो उन्होंने भी ये कह दो कि तुसां दोवां दी इकट्ठियां डेट आवे इक्को दिन इक्को टाइम च और इको मोटोरिजेशन है शहर तुहाडा इक होना चाहिए इहदे नाल तुहानू बड़ी मजेदारी आनी है क्योंकि यह तुसी नोट की होनी कि पहला गलतियां घट इम्तिहान वाले दिन एकदम तुसी फेल होके आ गए अंदर डर हुंदा बहुत ज्यादा खौफ हुंदा बहुत ज्यादा जे तुहाडा दोस्त तुहाडा भाई अगर लेडीज ने ते तुसी दोवे लेडीज इकट्ठियां गईयां हो तो फिर तुहानू ना दोवे सीटां ते नेड़े नेड़े बैठियां ते इक दूसरे नूं बंदा देख सकदा है ते ओह तुसी इक दूसरे नूं देखोगे थोड़ा जिहा हैप्पी फील करोगे और एक दूसरे नूं इशारा भी हल्का जिहा तुसी कर सकते हो कि कैसा चल रहा वो आखेगी बिल्कुल ठीक चल रहा है ये तुसी दोवे जेंट्स हो कट्ठियां तुसी दाखला लिया यानी कट्ठियां इम्तिहान देण लगे हो एक दूसरे नूं तुसी इशारा भी कर सकते हो कि जी ओके दी रिपोर्ट है इहदे नाल ना जिहड़ा अंदर दा खौफ है डर है वह मर जाएगा और तुसी गुड फील करोगे और इंज ही लगोगे तुहानूं लगेगा कि असीं ते इकट्ठे बैठे हाँ नॉर्मल किसी जगह पर या घर बैठे हैं है ना यह काम जरूर करना है मैनूं बड़ी अच्छी ये चीज मिली सी अच्छा तैयारी एक दूसरे मुकाबला वगैरा करो अच्छा जी नासिर भाई गल कर रहे मैं सर जी एक बड़ी मजे की गल तकरीबन इटली भी ना तकरीबन सेम ही आए थे वो असी दो नंबर तरीके ने आए थे यूनान तो ते भाई आजाद जेड़े सन साडे डेंकर सन उदो को नहीं सेनी जान पहचान है ना ते फिर इत्थे आ गए साडी अजील भी इकट्ठे होई उदो बाद असी साडी बड़ी दूरों तकरीबन चले आए इत्थों इटली तो ना पहला शहर इन्हां दा नहीं त्रिएस्ते उत्थे असी अजील कराई उदो बाद फिर चलदे चलदे असी इत्थे रोमा तिकर आ गए ते माशाल्लाह एक बाकी सारे काम ठीक हो गए ने काम मतलब रह गया बेचारा ओहदे ना पेपर दा सारा कुछ हो गया बस रिजल्ट नहीं आ रहा बाकी सब कुछ हो गया तकरीबन ठीक अच्छा जी असीं दुआ करांगे अल्लाह ताला उहनां नूं कामयाब करे और पेपरां विच भी मामला हल हो जाए नासिर आओ थोड़ा आपका इम्तिहान इश्तिहान लेते हैं जरा चेक करते हैं आपका थोड़ा जाता क्या है क्या हालात है आपकी पढ़ाई के सवाल नंबर 18 जरा सुने जी Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto. Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabile difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto. Sual, quello number è vero, che è la segnale tang masterode, è già un samnio gadiare, शर्त है ये जरूरी है ये शर्त है कि ये करेंगे तो होगा अच्छा जी नासिर मानी बता रहे थे थोड़े थोड़े चले अच्छा पढ़ते हैं नासिर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने भाइयों को कोई पैगाम देना चाहे तो दे सकते हैं
सर जी है बस पैगाम दा है कि मसलन कोई अगर बहाना लाए कि मेरे को टाइम नहीं काम दी वजह तो सर जी तुसा बड़ा ही एक अच्छा काम कीता जेड़ा तकरीबन तुहाडे रहंदे आ तिकर इंशाल्लाह रहेगा काम आ जेड़ी बुक बना के वीडियो दी पूरी तुसी कीती ते बंदे जेड़े को टाइम नहीं भी हुंदा ते मसलन काम तो बाद आके वीडियो मसलन नहीं कि लाइव क्लास ले सकदा जो वीडियो वेख के काम करदा मैं तकरीबन सर जी एक क्लास भी नहीं लई आ जेड़ी लाइव है सारी तकरीबन वीडियो वेख के रमजान दा पूरा महीना बाकी फिर कदी कर लिया कदी ना कर लिया इंज रहंदा रहा यानी महीना सवा है ना वीडियो दे जरिए तैयारी की थी और वीडियो बहुत पसंद कर रहे ने स्टूडेंट उन्होंने बड़ा इजी लगता है ज्यादा स्टूडेंट तुहाडा बहाना यही होंदा है कि जी वो मेरा सर जी पक्का टाइम नहीं कदी किसी भी काम ते जाना कदी सुबह कदी शाम ते लिहाजा मेरा टाइम नहीं बनता ब्रदर कह रहे ने वीडियो तू पढ़िया करो नासिर बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको कामयाब करे आगे बढ़ते रहे इस तरह आप लोग आसानियां कर रहे हैं मिलजुल के और भी भाइयों के लिए जैसे हमारे दूसरे भाई ने बताया कि मैंने दूसरे दोस्तों को देखा यार ये सारे लाइसेंस कर चुके हैं गाड़ियां चला रहे हैं मैं भी करूंगा इंशाल्लाह आप लोग भी रास्ता बना रहे हैं भाइयों को ये बता रहे हैं कि भाइयों एक काम मुश्किल नहीं है आ जाओ